मंत्रालय से ये आदेश आया था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक का कर्फ्यू रहे। उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट की हमारी टोली, हमारे सारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग बैठे थे और उस समय कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए हम लोगों ने भी निर्णय लिया था कि रात को जल्दी शहर बंद हो जाए। भोपाल से वापस कल एक आदेश आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये रात का कर्फ्यू निरस्त किया गया है। तो क्राइसिस कमेटी ने भी उस पर अपनी सहमति जाहिर की है, सारे जनप्रतिनिधियों ने, कि ये रात का कर्फ्यू नहीं रहेगा तो शहर हित में है। अभी चूंकि शहर वापस से धीरे धीरे अपने व्यापार की ओर लौटा है, वापस से स्वस्थता की ओर लौटा है, मगर मैं साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें लापरवाह नहीं होना है। हमारी इंदौर की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, नियम है, उसका पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इंदौर को भी सुचारू रखें। लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने की मांगों को लेकर स्टूडेंट्स, पालक, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हमारे पास आ रहे थे, तो हमने सुझाव दिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेंथ है उसकी 50% कैपेसिटी पे उनको चालू करने का